हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोर विद सार्थक। सो दिस ब्लॉग सीरीज़ इज़ ऑल अबाउट मनाली स्पिति एक्सपेडिशन। तो आज है 3 सितंबर और दिन है सैटरडे एंड अभी टाइम हो रहा है 4 PM। सो कैब आ चुकी है हॉस्टल गेट पे। तो फ्रेंड्स, अभी हम निकल दिए हैं गलकोटिया यूनिवर्सिटी से बोटैनिकल गार्डन के लिए। तो आपको बता दूँ कि जो हमारी बस है मनाली के लिए वो कश्मीरी गेट से है एंड वहाँ से हम लोगों को कश्मीरी गेट के लिए मेट्रो मिल जाएगी। एंड जो बस टाइमिंग है वो है 9 बजे है कश्मीरी गेट से, जो कि रेड बस से हमने बुक करी है। एंड जो बस सर्विस है वो लक्ष्मी हॉलीडेज़ की है। सो देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बोटैनिकल मेट्रो स्टेशन हम लोग पहुँच चुके हैं और हम लोगों को मेट्रो मिल चुकी है। सो फ्रेंड्स, अब हम कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन पहुंच चुके हैं। अब हमें गेट नंबर 4 पे जाना है। सो फ्रेंड्स, अब हम कश्मीरी गेट मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 4 के पास पेट्रोल पंप पे पहुंच चुके हैं और आप देख सकते हैं कि हमारी बस आ चुकी है। सो अभी उसमें बैग सबमिट होंगे, जिसके थ्रू हम लोग को एक स्लिप्स मिल जाएंगी, जिससे आपको बैग आइडेंटिफाई करने में इजी रहेगा एंड आपका बैग जो है वो मिसप्लेस नहीं होगा। सो फ्रेंड्स, फाइनली बैग सबमिट हो गए हैं और हम लोग बस में एंटर कर चुके हैं। आप देख सकते हैं बस कितनी स्पेशियस है और आप देख सकते हैं ब्लैंकेट भी प्रोवाइड कर दिया गया है। और आपको बता दूँ, जो बस का चार्जेस है वो नियर अबाउट 700 to 800 पर पर्सन है अगर आप ऑफ सीज़न में लेते हैं। बस का जो टाइम है कश्मीरी गेट से छूटने का वो है 10 o'clock। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं जस्ट ड्राइवर के पीछे वाली सीट है अपनी। सो फ्रेंड्स, अभी हो रहा है टाइम 10:15 PM और आप देख सकते हैं बस निकल चुकी है कश्मीरी गेट से और इसका मॉर्निंग में मनाली पहुंचने का जो टाइम है वो है 11 o'clock। सो जो पहला स्टॉप है वो मूर्थल में है डिनर के लिए नियर अबाउट 11:30 एंड जो दूसरा स्टॉपेज होगा वो मंडी के आसपास होगा फॉर ब्रेकफास्ट एंड रिफ्रेशमेंट। और आप देख सकते हैं हमारे राइट में एक सिग्नेचर ब्रिज है जो काफ़ी फेमस है दिल्ली में एज अ टूरिस्ट स्पॉट, जो कि यमुना रिवर के ऊपर बना हुआ है। और आपको बता दूं, मैंने HRTC वाली भी बस को देखा था बट उसका जो प्राइस था वो इसका जस्ट डबल था। उसका 1500 प्राइस था फॉर 1 पर्सन। सो फ्रेंड्स, अभी हम पहुंच चुके हैं शिवा ढाबा फॉर डिनर, जो कि मूर्थल में ही है एंड द लोकेशन इज़ क्वाइट अमेजिंग। सो फ्रेंड्स, अब हम डिनर करके निकल चुके हैं और आप देख सकते हैं हमारे लेफ्ट साइड में है अमरिक सुखदेव ढाबा, जो कि काफ़ी फेमस है अपने पराठेज और एंड लस्सी के लिए। और आप देख सकते हैं यहाँ पे कितनी ज़्यादा भीड़ है। सो फ्रेंड्स, गुड नाइट फ्रॉम दिल्ली। सो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। और आप देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे व्यूज़ आने लगे हैं और आप देख सकते हैं वेदर भी काफ़ी अच्छा है, बादल हैं, मे बी आगे हम लोग को बारिश भी मिल सकती है। एंड अभी टाइम हो रहा है 7:30 AM। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं हम लोग मंडी डिस्ट्रिक्ट में एंटर हो चुके हैं और ये आप देख सकते हैं ये डैम है जिसका नाम है पंदोह डैम एंड इसका जो प्राइमरी पर्पज़ है वो है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेशन। और आप मुझको इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं रेगुलर अपडेट्स के लिए। जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दिए हुए हैं, सो आप वहाँ से फॉलो कर सकते हैं। ये ISBT मंडी है, यहाँ से आपको मोस्टली दिल्ली, पंजाब, मनाली, डलहौजी के लिए बस प्रोवाइड होती है। सो फ्रेंड्स, अभी हम रुके हैं ब्रेकफास्ट के लिए। आप देख सकते हैं व्यू कितना प्यारा है,
एंड ये जो रिवर का व्यू है ये जस्ट होटल में बालकनी है उससे आप देख सकते हैं। एंड अभी टाइम हो रहा है 9:30 AM। जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम निकल दिए हैं ब्रेकफास्ट करके एंड अब हम पहुंच चुके हैं भुंतर में। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो लेफ़्ट साइड में कट है वो सीधे कसोल के लिए जाता है एंड यहाँ से कसोल नियर अबाउट 40 to 50 किलोमीटर्स बचता है। सो फ्रेंड्स अब हम मनाली में एंटर हो चुके हैं और अभी हम थोड़ी देर में मनाली प्राइवेट बस स्टैंड पहुंचने वाले हैं। सो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं अब हम कुल्लू में एंटर हो चुके हैं और हमारे लेफ्ट साइड में कुल्लू सिटी दिख रही है। यहां से मनाली नियर अबाउट 40 किलोमीटर्स है। एंड जैसा कि आप देख सकते हैं अब हम मनाली बस स्टैंड से बस से उतर चुके हैं और हमने एक टैक्सी ली है जो कि हमें सीधे हमारे होटल में पहुंचाएगी और होटल हमारा ऑलरेडी बुक है जो कि trivago.com से हम लोग ने ऑलरेडी बुक कर लिया था। इसका जो प्राइस है वो हम लोग को पड़ा है 900 समथिंग। और आपको बता दूँ जो होटल का नाम है वो आइबेक्स होटल है जो कि मॉल रोड के पास में ही है, या यूँ कहें कि मॉल रोड पर ही है। सो आप देख सकते हैं रूम भी काफ़ी सही है एंड वॉशरूम भी काफ़ी नीट एंड क्लीन है। सो फ्रेंड्स रूम में चेक इन कर लिया है और अब हम जाएंगे लंच करने के लिए मॉल रोड पे। सो आप देख सकते हैं ये मॉल रोड है मनाली का। अब काफ़ी टाइम यहाँ पे स्पेंड कर सकते हैं, काफ़ी अच्छी जगह है, आप शॉपिंग वगैरह भी कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स लंच हो चुका है और अब हम थोड़ी देर रेस्ट करेंगे, फिर रात में थोड़ा शॉपिंग वगैरह करेंगे आगे के लिए। एंड जो HRTC बस स्टैंड से हमने कल के लिए टाइमिंग्स कंफर्म कर ली हैं, जो बस जो है वो 6 बजे मनाली से काजा के लिए निकल देती है। एंड अब हम अगले व्लॉग में जल्दी मिलते हैं जो कि काफ़ी एक्साइटेड होने वाला है, जो कि मनाली से काजा का बस जर्नी है। इट इज़ वन ऑफ द एडवेंचरस रोड इन इंडिया। सो फ्रेंड्स फाइनली हम लोग डिनर करके एंड शॉपिंग वगैरह करके हम लोग वापस होटल में आ चुके हैं एंड ये व्लॉग अब यहीं पे ख़त्म होता है। सो फ्रेंड्स प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल एंड गुड नाइट वंस अगेन।